जनाब डॉक्टर नसर शाहिद साहब, जनाब सरदार अब्दुल लतीफ़ खान खोसा साहब, जनाब डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब चले गए, जनाब ज़फ़रुल्लाह खान साहब, जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब, ख्वातीनों हज़रात, आज बहुत सी बातें जो हुई हैं उनमें इतनी सैर हासिल ये बहस हो गई है कि अब किसी बात पे भी कोई बात करने की रह नहीं गई। लेकिन मैं एक दो लड़ियाँ चुनूंगा और आपको ये अर्ज़ करूंगा कि हमारी बदकिस्मती है कि हम सब जिम्मेदार हैं। ये मकरूज होना किस तरह जिम्मेदार है, मेरा बावर्ची जा मेरे घर में तीन डिशें मेरे सामने रख देता है, तो मैं उसको कहता हूँ ये तीन की रखने की क्या जरूरत है, तुम्हें एक लाया करो। अगर मैं अकेला ही हूँ और कोई नहीं घर पे, तो मैंने उसको सख्ती से हिदायत की हुई है कि मेरे लिए एक से ज्यादा नहीं पकानी। लेट हो गया यार, तो मैं लेट नहीं करता तू यार, दाल हो। इसके मैं आपको वजह बताऊं, हमारे यहां मुरगन और बड़ी इकसाम की मुख्तलिफ अनवा खाने, सिर्फ दस्तरखान ले लें, दस्तरखान पे बैठ कर और सजा के तमाम तश्तरियों में, और तरगीब भी हमें, आप देखें कितने घी के या कुकिंग ऑयल के तेल के इश्तहार आते हैं वो खत्म ही नहीं होते, पेट्रोल बम सुट्टे या साबुन या तेल जिक्र करना है। अब बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इस तरह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस तरह नहीं आया कि यहाँ इंडस्ट्री लग रही होती, यहाँ गाड़ियां, ट्रैक्टर, ट्रक, रेलवे इंजन, ये वो सब कुछ यहाँ सिर्फ पेचकस के असेंबली ना हो रही होती, उनका अपना पूरा जसद जो है, पूरा इंजन जो है, वो हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा होता। पर हमारे यहाँ जो गाड़ियों की प्लांट्स हैं वो सिर्फ हमने पेज डिब्री, वो सारा वो गाड़ी आ जाती है पैक्ड फॉर्म में, और हमने उसके पेज उतार के पेज डिब्रियाँ टाइट करके, और वो टोयोटा करोला निकल आती है और जो भी और गाड़ियाँ हैं। हमारे पास कोई इतनी दौलत कमाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा फायदा, वो ही कमाने के लिए थोड़ा सा प्रॉफिट, हमारे पास कोई ऐसी जिंस नहीं है, कोई ऐसी जिसको हम बेच सकें। हमारे तो चाहिए था यहां से एक्सपोर्ट होती गाड़ियां, 75 साल हो गए एक कौम को, यहां से मोटरसाइकिल एक्सपोर्ट हो रहे होते, मोटरसाइकिल भी आपने सिर्फ पेज डिब्रियां उनकी टाइट करनी है और वो पार्ट्स में आ जाते हैं और वो किट्स में आते हैं और उनमें आप। अब ये चीज हमारे यहां बड़ी शिद्दत से, मैं समझता हूं ये एक बात है जो समझने सोचने की बात, 1947 में 13 अगस्त 1947 और 14 अगस्त 1947 में क्या फर्क था? पाकिस्तान आजाद हुआ, हम क्या फर्क लेके आए? अंग्रेज के जो मकासद थे, अंग्रेज की जो हुकूमत थी वो तो बैरूनी दुनिया से हम पे हुकूमत कर सकते, उसके मकासद क्या थे? उसके मकासद ये थे अंग्रेज की हुकूमत के, और बजा तौर पे उन्होंने अपने मुफाद में ही सोचना था, वो ये थे कि पहला कि खाम माल बर्रे सगीर से मैनचेस्टर ले जाओ,
लैंकाशायर ले जाओ, वहां फैक्ट्रियां मिलने उन कपास की गांठों को, वो सिर्फ कपास, रॉ कपास बांधी हुई बेल, उनको कपास को निकाल के और वो बनाए, उससे कपड़ा बनाए। अब जब कपड़ा बना लें तो वो कपड़ा वापस बरे सगीर आए और मसाबकती यानी मोनोपोलिस्टिक प्राइसेस पे बेचा जाए। अब अंग्रेज को तो बड़ा, मैनचेस्टर में, लिवरपूल में, शेफील्ड में जॉब्स ही जॉब्स कर रही है, और वहाँ का जो कॉटन ट्रेड का इदारा है वो इतने मालदार लोग, वो सारी दौलत उधर चली जाती, जॉब्स और मुलाजमतें और नौकरियां। बड़े सगीर जो के कुपास का एक बड़ा शॉट है, बहुत बड़ा पैदावार दुनिया में आगे था कुपास की। पर ये मिस्र जरा कंपटीटर था, एक जनूबी अफ्रीका में एक दो जजायर, वरना जो कुपास यहाँ लगती थी वो कुपास ये सारे दरियाए सिंध और दरियाए गंगा जामन में, बंगाल में ऐसी वो ऐसा इतने बारीक धागे से कपड़ा बुना जाता था, वो एक उंगली से एक अंगूठी के जरिए सारा थान गुजर जाता था, और थान को आप यूं मुट्ठी में ले सकते थे, इतनी उसकी मशहूर थी। अब वही बरे सगीर फाकों मार रहा है। 1940 में ये 200 साल से अंग्रेज की हुकूमत है, पर 1940 में कहत आ रहा है बंगाल में, बहुत बड़ा कहत है ये। इसी तरह है ना, अब वो अंग्रेज के जिम्मे ही लगेगा वो कहत। आजकल लोग कहते हैं कि जी सैलाब आ गया, सारा पंजाब डूब गया, सारा पंजाब, जनूबी पंजाब ये डूब गया, पहाड़ी नाले भी आ गए, बारिश भी आ गई, सैलाब भी आ गई, और ये रो रहे होते चीफ मिनिस्टर साहब भी और प्राइम मिनिस्टर साहब भी। भाई आप 40 साल इस खित्ते पे, ये पंजाब पे आपने हुकूमत की है, कोई आपने नहीं सोचा कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम ही कर दें, लेकिन ये इनको नहीं, इनके जहन में होती है जो जमीन के ऊपर बन सके वो बनाओ प्रोजेक्ट, ताकि सारे देखेंगे वो मोटरवे जा रही है, जो जमीन के नीचे है कि ड्रेनेज वो बनाने का क्या फायदा, सीवर लगाने का क्या फायदा, डालने का, इसमें जो ऊपर होगा उसमें कमीशन भी बड़ी है, और ये नीचे वाला प्रोजेक्ट जो नजर ही ना आए उसकी हमें जरूरत नहीं। लेकिन अंग्रेज का ये तरीका था कि तिजारत उधर से माल जाए, इधर से माल सनत मसनुआ माल वापस आए। अब 13 अगस्त को 1947 के बाद आज तक हमने ये बदला है, हम जाके कहते हैं जी फौरन ना माल दिखाओ, वो दिखा रहा है दुकानदार कोई, उनके फौरन ना माल दिखाओ, वही हमारी अभी तक हम उसी में जकड़े हैं कि फौरन का माल खरीदना है, ये बड़ा बेहतर मैन्युफैक्चर। अच्छा, और जो अपना माल है वो अर्जा बेचना है। अब हम क्या करते हैं, हम यहां तक उतर आए, नीचे हो गए कि हम वैल्यू एडिशन इसको कहते हैं, वैल्यू एडिशन कोई करता ही नहीं, यहां तक कि हम अपने नौजवान, अपने नौजवान अनस्किल्ड, कोई उनको स्किल नहीं देते, कोई उनको महारत नहीं देते, उनको इस बात पे बड़े भेज के अपना गोश्त, अपना मसल, अपनी हड्डियां उनको भेज रहे हैं, जाओ अबू धाबी, दुबई और अरब ममालिक में, वहां टॉयलेट्स में पोछा फेरो। अब ये हम इसमें कि खाम माल हमारा बाहर जा रहा है, यहां तक हम बदकिस्मत कौम है जो भैया उनको डॉक्टर बनाओ, उनको इंजीनियर बनाओ, ये सारे तुम्हारे 30 2-3 करोड़ हैं
जो इधर अरबों अरबी दुनिया में, जो यूरोप में धक्के खाते फिरते हैं, इलीगली पहुंचते हैं, वो कहते हैं यहां से भागो, मौत आती है तो आए, हम यहां से भागो। अब ये चीज जब डेस्परेट हो जाए इंसान और ये करे, इसको हमने बदला नहीं अंग्रेज के निजाम को, उसको बढ़ाया और अपना खाम माल भी हमने बिकाऊ कर दिया, बजाय ये कि उसमें वैल्यू एडिशन की जाए उस बच्चे में, उस नौजवान में, उस बेटी में, और उनको सलाहियतें दें, और फिर वो दुनिया को बाहर देखें तो दुनिया उनको बुला रही हो। दूसरा, अंग्रेज ने ब्यूरोक्रेसी रखी हुई थी ये आमदन खींचने से, ज्यादातर जागीरदार थे, उनसे आबियाना मालिया, ये सारा पटवारी सिस्टम, कानूनगो सिस्टम, ये रेवेन्यू सिस्टम, ये डिप्टी कमिश्नर डिप्टी कलेक्टर का सिस्टम, ये सारा रखा हुआ था कि किस तरह यहाँ के मकामी शहरी की जेब खाली की जा सके। पुलिस थी कि यहाँ अमन अमान रखा जाए, फौज थी कि यहाँ अमन अमान रखा जाए, फौज को बर्तरी दी गई, और पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम में अंग्रेज की सारी जंग, जो डिफरेंस था जर्मनी में और इंग्लिस्तान में, वो हम थे, हमारे नौजवान, 19 रुपए तनख्वाह मिलती थी बर्मा के जंगलों में, इतना इतना बड़ा मच्छर होता था, और हमारा नौजवान बंदूक लेके और राइफल लेके 303 कांपता कांपता, मलेरिया भी हो गया पर वहां से नहीं हटता था, क्योंकि उन पहले 11 पहली जंग में और 19 दूसरी जंग में, उन 11 रुपए से, उन 19 रुपए से उसके घर में चकवाल में दिया जल रहा था, वो नहीं छोड़ता था, वो मुलाजमन मर जाता था। हमने इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, हम भेजते जाओ बच्चे, मर जाऊंगा रास्ते में, वो कहते जा जा जा, तेरे पैसे जमा करा के 20 लाख दे देते ना ये जो ट्रैवल ऑर्गेनाइजर, तू जा, दुआएं देती है माँ थे। वो किस अंदाज से हम इसको मैं बड़ा फख्र समझते हैं कि वो इटली उतर गया जी, इटली वो बस आज गया। अब ये चीज हमारी अपने सबसे बड़े असासे के बाद अंग्रेज ने ये खूह डाली हमें, क्या हमने बदला कुछ? बिल्कुल नहीं बदला, हम उसको एग्रवेट करते गए, उसको ज्यादा से ज्यादा संगीन करते गए, और आज हम अपने बच्चों को भेजते हैं बाहर पोछे देने के लिए टॉयलेट्स में गैर मुल्कियों के, और बड़े खुश हैं। कर्ज की पीते थे मैं और जी में, कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, वो रंग ला रही है, और रंग किस तरह ला रही है कि आप पे इतना भारी कर्जा है, इतना भारी कर्जा है, जिस तरह खोसा साहब ने अभी कहा कि हमने गिरवी रख दी अपनी आइंदा नस्लों को, हमने आइंदा नस्लों को सिर्फ गिरवी नहीं रखा, जो मेरे पोतों ने और पड़ पोतों ने और पड़ पोतियों ने, नवासों और नवासियों ने जो निवाला खाना है, हम वो खा चुके हैं, हम वो हमने बतौर कौम ये नहीं सोचा कि एक फर्द अगर उसकी आमदन कम हो और खर्चे ज्यादा हो, फर्ज करो उसकी आमदन कम है खर्चे बहुत ज्यादा है, वो अपनी पेट पे पत्थर बांधता है, वो कहता है मैं आधा आधी रोटी खाऊंगा, मैं कोई सिनेमे नहीं जाऊंगा, मैं कोई ये शरबत ये बोतल कोका कोला की पेप्सी कोला की नहीं लूंगा, वो परहेज पे आ जाता है। एक खानदान को भी अपने को समझाता है कि ये नहीं हो सकता, अब मैं आगे इस तरह नहीं चल सकता, जरा कम खर्च करो। अब चीन का देखें, चीन के इंजीनियर कराकोरम हाईवे बनाने आए, वो चीफ इंजीनियर उनके, इधर से वापडा के लोग भी गए कराकोरम हाईवे में, खुंजराब पे बॉर्डर पे इनकी मुलाकातें हुई, 2-4 दिन रहे, 12,000-13,000 फुट की बुलंदी पे, जहां गर्मियों भी नुकता है जमूद से नीचे रहता है, हरारत सुकड़ रहे, चीनियों की चाय आ रही है और हमारे चीफ इंजीनियर की चाय आ रही है, चीनियों की चाय, वो कहते हैं आप क्या कैसी चाय पीते, कहते हैं हम व्हाइट टी पीते हैं,
उन्होंने कहा व्हाइट टी क्या है? क्यों व्हाइट टी पीते हैं? उन्होंने कहा व्हाइट टी क्या है? वो व्हाइट टी पता लगा कि उबला हुआ पानी, उबलता पानी ले आते हैं, ये चाय है आपकी। हमारे दोस्तों ने पूछा तुम पत्ती क्यों नहीं डालते? उन्होंने कहा जी पत्ती के लिए तो बड़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये 1961 की बात है, कहते हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते एज ए कॉम, हमारे खर्चे ज्यादा हो जाएंगे और आमदन हमारी कम होगी, हमने खर्चों से आमदन को ज्यादा रखना है, हमने अगली नस्लों का सोचना। 1949 में चीन आजाद हुआ हमारे से 2-3 साल 4 साल बाद। अब चीन 1961-62 में वो खा क्या रहे हैं? एक डिश अलाउड थी, उबले हुए चावल, सारी कौम उबले हुए चावल। मैं बैठता हूं तो मैं जब देखता हूं 4-5 डिशेस पड़ी हैं, डोंगे पड़े हैं मेरे, और मैं बीच में, मैं कहता हूं ये तो मेरा है भाई, मुझे जरूरी है जान बचाने की, ये मेरा अगली नस्लों का मैं खा रहा हूं, ये चार जो है। हम रेस्टोरों में जाके इस तरह हमने ये श्वार ही नहीं डाला अपने में कि हमने कुछ पेट को कुछ रोक के और अगली नस्ल का सोचना है। जो अगली नस्ल ने कमाना है, जो खाना है, जो नवाला मुंह में डालना है, वो हम खा गए हैं। और हमारी अगली नस्लें, ये जो हम बिल्कुल अगली नस्ल जो है हमारे बच्चों की, वो तो हमारी तरह ही हो गए, मैं समझता हूँ वो हमारी तरह ही हो गए, वो भी परवाह नहीं करते, बर्गर खा लिया, जो मर्जी जो दिल आया ले लिया, खरीद लिया। लेकिन उनकी अगली नस्ल जो है, उनको एहसास होना है कि हम क्या कर रहे, किस चीज़ का कर्ज दे रहे हैं। ओ जो दादा जान मोटर कार लेके और सारे शहर में फिरते थे, शो मारते, वो जो कार उस वक्त वो मोटरसाइकिल पे चढ़े होते तो बेहतर था, उन्होंने मोटर न खरीदी होती, मोटरसाइकिल खरीदी होती। मैं जाता हूँ मोटरसाइकिल खरीदने, वो कहते हैं जी कोई बात नहीं, आपके पास पैसे नहीं है मोटर के, आप मोटरसाइकिल लेना चाह रहे हैं तो आपने आप 20,000 लेके आए। उन्होंने कहा 20,000 में मोटर, वो कहते हैं 20,000 में तो हम कुल मोटरसाइकिल आपको दे देते, पर 20,000 में हम 1/10 कार दे देते हैं, 7 कार ही चली जाए, ले जाओ हमारे साथ, ये 10 करो मुआहदा, बाकी क्रेडिट हम देंगे। वो शौकत अजीज ने ऐसा क्रेडिट इकॉनमी बनाया कि इंस्टॉलमेंट से हर चीज़ बिक रही है और मैं खरीद रहा हूँ। मैं क्यों खरीद रहा हूँ? क्योंकि मुझे परवाह ही नहीं आइंदा नस्लों की और किसी की। वो चीनी कौम नहीं है कि उबला हुआ चावल और वाइट टी, सादा पानी की चाय। और आज चीन कहाँ पहुँच गया, आज चीन कहाँ पहुँच गया? जब भी किसी शादी पे जाएं, कानून एक तरफ, कानून तो बना ही हो हमारे मुल्क में उसको खिलाफ वर्जी करने के लिए होती। और मेरी शो ही तब है जब मैं दिखाऊं एक डिश के लॉ के तहत 35 डिशें लगी हुई, फिर मैं दिखाता हूँ सारे मेहमानों को, देखो जी पुलिस थाने वाले नु काबू रखे हैं। अब ये चीज़ हमें बदलनी चाहिए, ये चीज़ हमें उनको बतानी चाहिए, मेज़बान को। मैं तो बताता हूँ अर्धा, मैं देखो मैंने एक डिश ली है, ये तेरी बाकी डिशें, दोस्त होते हैं बुजुर्ग होते हैं, बाकी डिशें सब फाजिल हैं, ये अगली नस्लों की कमाई तुम खा रहे हो। पर बहुत ही हम बर्बाद हो गए। जश्न मनाया जा रहा है कि कर्जा मिल गया, कर्जा मिल गया, कर्जा मिल गया। वो मेरे वालदैन की जमाने में जिंदगी में, मैं आपको खुदा की कसम कहूं, वो शर्मिंदगी से बता भी नहीं सकते अगर किसी से कर्जा लिया। इलेक्शन मेरे दादा भी लड़ते थे, वालिद भी लड़ते थे, इलेक्शन पे कुछ कजन वजन आ जाने, भाई बहनों ने आ जाना, 1,000 रुपया दे जाना, कॉन्ट्रीब्यूट कर, वो एक सारी फैमिली का ही प्रोजेक्ट होता था। पर कोई बताता नहीं था कि आसन ने इतना कर्जा लिया इस इलेक्शन में या इतना, वो बताता कोई, शर्मिंदगी होती थी। आज फाइनेंस मिनिस्टर बैठ के जश्न मना रहा है कि 3 अरब वहां से आ गया है, 2 अरब वहां से आ गया है, 1 अरब वहां से आ गया है, और यही तो सारा मर्द है आपका,
ये कर्ज इकोनॉमी तो सारा मर्द है, और वो उसको आप और फोर्टिफाई कर रहे हो। बहरहाल मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ, इसके अलावा यह अर्ज करना चाहता था कि जो इस वक्त एक इशू बहुत ये फौजी अदालतों का है, जैसे खोसा साहब ने भी कहा, हमने पिटिशन की भी है, हमारा एक मौकफ मैं आपको सिंपल सा सिंपलेस्ट फॉर्म में बता दूँ। ये फौजी अदालतें पहले एक दफ़ा लगी हैं पाकिस्तान में, 1999 एक ऐसी तारीख थी, साल जिसमें लियाकत हुसैन का केस एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और कहा कि फौजी अदालतें मास्वाय जंग की सूरत में, मास्वाय जंग की सूरत में लग सिविलियन को ट्राई करने के लिए नहीं लग सकती, और इसमें उन्होंने कहा कि मास्वाय एक वो दूसरी कैटेगरी कि वो ऐसा सिविलियन जो फौजियों को रागिब कर रहा हो बगावत के, उस पर फौजी अदालत लग सकती है, उस फौजी पे भी और उस पर। अब ये कानून था, इसके बाद एक आर्टिकल 10 ने आता, मैं उसका जिक्र नहीं करता, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि लियाकत हुसैन के केस के बाद ये मुमकिन नहीं था कि पाकिस्तान में फौजी अदालत लगे आईन के तहत। अब पिशावर में जब वो हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला दहशतगर्दों का, और दहशतगर्दों ने खड़े हो के एक एक बच्चे को 150 तकरीबन बच्चा 7 साल से 12 साल का उनको गोलियां मार के सर में और उनको शहीद कर दिया। माएँ बाहर दीवार के स्कूल के बाहर टकरे मार रही हैं दीवारों से, उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, नहीं तो वो लिपट जाती जाके अपने बच्चों को भी और उनको दहशतगर्दों से भी। पर बहरहाल वो और हौलनाक होता, बड़े ऐसे सीन थे क्यामत खेज के, सारों में एक तहरीक पैदा हुई कि फौजी अदालतें लगाओ इन दहशतगर्दों, ये TTPO ATPO ये इन पे लगाओ। अब उसमें लगाने के लिए आईन में तरमीम करनी पड़ी, और आईन में एक आर्जी तरमीम की गई, दो तरमीम एक के बाद दूसरी दो दो साल के लिए। वो आर्जी तरमीम जो थी वो उसने एक जगह बनाई जहाँ फौजी अदालतें कानून के बड़े दायरे में, समझ लें ज्यूरिस्डिक्शन में, एक जगह बनाई जहाँ आईन की छतरी हटा ली गई और फौजी अदालतें लगा दी गई। अब आईन में तरमीम हुई, अब जब वो खत्म हो गया, उसकी जरूरत ना थी, तो आईन की छतरी खुद अपने उसमें था कि 2 साल और 2 साल के लिए खुद वो खत्म हो गई। तो उसके बाद हम ये कहते हैं कि आईन में तरमीम करें पहले, फौजी अदालतें बगैर आईन की तरमीम में के नहीं लग सकती। अब आईन की तरमीम इनसे हो नहीं सकती क्योंकि 228 MNA नहीं है, वो इलेक्शन के बाद कोई पार्टी अगर 2/3 मेजॉरिटी लेके निकली तो फिर वो आइन में तरमीम कर सकेगी, और कोई इख्तियार फिर वो मैंडेट भी नया होगा, वो लोगों का मैंडेट होगा तो वो कर सकेगी, ये इस वक्त नहीं लग सकती। और हम ये समझते हैं कि अगर ये इदारती क्यादतों को भी समझाया जाए सही से, ये जाके उनको जो वकला दे रहे हैं मशवरे, वो तो चाहते हैं कि यहाँ से जकड़ लिया जाए अपने मुखालिफ को, पाला भी दरख्त ना बदा हुआ है तो दिता भी दरख्त ना बदा हुआ है तो फिर देख मेरिया मैं मच्छरा किस तरह, तो वो पाला और दिता को हाथ पांव बांध के और फिर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अब ये मेरा ख्याल है ऐसे अगर किया गया ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो इससे मुल्क को और नुकसान पहुँचेगा। पर आखिर मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, वसी शाह का एक शेर है, उसमें मैं दूसरी दफा सुनाऊंगा तो उसमें मैं एक तरमीम करूंगा। वसी शाह का फेर है, क्योंकि ये हम हर वक्त सोचते रहते हैं, सब सोचते रहते, जबर का मौसम कब बदलेगा, सिंपल छोटा सा शेर है, जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। मैंने जो इसमें तरमीम किया है उसकी इजाज़त से,
जबर का मौसम कब बदलेगा? मैं बदलूंगा तब बदलेगा।